अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज हम आ चुके हैं एक और मजेदार व्लॉग के साथ जिसमें होगा बहुत ज्यादा फन। तो आपने बिल्कुल एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड होप तो आपने देखा होगा रिसेंट ब्लॉग जिसमें आपका तो फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम। हाँ, तो अब उनको कोई आगे छुट्टी नहीं हुई ना फर्स्ट के बाद, क्योंकि उनका इजी था इस्लामियत का था, इसलिए आप भी अभी भी गई हैं सेकंड प्री बोर्ड देने, प्री बोर्ड सॉरी सेकंड पेपर देने। गाइस यहाँ आप ही जा रही है पेपर देने। दिन ब दिन लंबी होती जा रही है, पता नहीं क्या है, किसकी छोटी छोटी सौ की उठती है लंबी होती है। तो आप कहते हैं जब भी सौ की उठती है ना ये लंबी हो गई होती है, एक इंच ना छोटी बहन लंबी होती जाती है बड़ी बहन। और गाइस अभी सीन ये है कि मामा बनाने गई हैं कुछ खाने, पुलाव बनाने गए हैं। तो मामा कह रहे थे कि मेरे आकर साथ हेल्प कर दो, और लैबा को मामा ने कहा था कि आज तुम बनाओ। कि थी नहीं नहीं उसने साफ साफ नहीं रह रहा था, मैं हुई थी ऐसी बैठी। जब ऐसे मिलने बना बनाया तो क्या बना। कभी मैं मामा की हेल्प करूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ही करती हूँ, तो नहीं करते तो हम हेलो मैं हेल्प करती हूँ उतना कोई भी नहीं पहले करती थी, इसलिए मामा मैं कह रही सबसे अच्छी लाइफ बस। मामा ने ब्लॉग बना रहा मुझे कहती है वो लीजिए तुम कितनी प्यारी लग रही हो ब्लॉग जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे सही हो गया। तो कहते हम किचन में चलते हैं और मामा की हेल्प करते हैं पुलाव बनाने में। Let's go. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ चिंटू मिंटू हमने इनके ऊपर ये चादर रखी हुई थी क्योंकि हमने कल इनको अंदर एसी में रखा हुआ था। हेलो चिंटू मिंटू, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड चिंटू मिंटू? ये जब अंदर थे ना तभी बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। अब बाहर लाए हैं तो फिर से ही खेलने लग गए। हमारी तरह इंट्रोवर्ट है हमारी दोनों। तो गाइस यहाँ आप इन सारा रूम वगैरह साफ कर दिया और सारा यहाँ बैठ कर छली खा रही है। सारा ने अभी ऑयलिंग की हुई है इसलिए उसने ऊपर दुपट्टा ले लिया। यहाँ बस आप देखें इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, इतनी ज़्यादा हम देख सकते हैं। वैसे गाइस मामा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और हम लोग तो किचन में भी नहीं जाते, और हम कहते नहीं हमने नहीं जाना हो तो हम एसी में बैठे रहते हैं। और देखो मामा को हमें सल्यूट करना चाहिए, वो इतनी गर्मी में जाकर हमारे लिए खाना लाना, चलो करो सल्यूट। देखो इतनी ज्यादा गर्मी होती, मैं भी बस किचन में वैसे ही गई हूँ, किचन में इतनी ज्यादा गर्मी थी और मम्मा स्पेशल हमारे लिए खाना बनाती हैं, ऊपर सारा धुआं वगैरह। इसलिए मैं कहती हूँ मम्मा को एसी लगवा दो एसी में, किचन में एसी। वाह, किसने कहा नहीं लगवाते, एसी में। अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा किचन में क्या बना रही है, लेट्स गो। यहाँ मामा ने अनियन फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं और साथ चिकन है, चिकन। और ये देखकर तो आपको पता चल ही गया कि कुछ पुलाव टाइप ही बनने वाला है। आपको आज क्या खाने का दिल कर रहा है? मैंने तो छली खा लिया, अपना देखिए आई, इसने छली खाई इतने बुरे तरीके से। मैंने नहीं खाई थी, आई लव यू गाइस। तो गाइस फाइनली मामा ने हमारे लिए लंच रेडी कर दिया है। तो हम मैं आपको दिखाती हूँ मामा ने कितने मज़ेदार सास पैसे हम बच्चों के लिए पापा के लिए बनाए इतनी गर्मी में। और मुझे बस मैं वैसे ही किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मामा ने बनाया तो मामा को कितनी गर्मी लग रही है। अब आपको दिखाती हूँ, देखना खोलो। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ मामा की बनी हुई मज़ेदार सी पुलाव। तो शायद पापा फिज़ा आप ही को ही लेने गए हैं आई गेस, तो देखते हैं अगर वो आ गए तो उसका भी व्लॉग ले लेंगे। तो इनका शायद 4 o'clock होने है। 4 o'clock नहीं मतलब जब आपका भी बना तो मुझे तब आप घर आ सकते हो। तो मैं सर्व करती हूँ गाइस, वहाँ से प्लेट्स निकाल लो। ये लिया 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 लिया
येलो और येलो कलर्स भी बताना आपका कौन सा फेवरेट कलर है। मरियंडा हां येलो आपका नहीं मेरा ब्लैक है। हां ब्लैक इसमें वह मेहनत करते हुए सबके लिए चावल डाल लिए और लुक मेरे सारी लुक को मां ने जो सेट कर रखी सही है आपका जो मैं पूरी कोशिश करेंगे वो सही हो जाए। अब तो व्लॉग में दिखा दिया है ना आपके गाइस अब हमने डाल ली है इसकी जगह यहाँ पर है हमने अपी ने भी डाल दी है अब हम खाते हैं जाके डिंग डिंग डिंग। तो गाइस अब हम मजेदार से लेकर जाएंगे अंदर ये लेट्स गो गुड 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 चलो 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 रुको आप चलो माय ब्यूटीफुल चावल इसको मैंने मिनी लेग पीस दिया गाइस सारा भी मिनी मिनी है। तो गाइस अभी हम लोगों ने अपना लंच वगैरह कर लिया है और पापा जो है फिजापी को लेने चले गए हैं और पापा गए ही है कि हमें साथ ही बेल ऐसे टिंग टिंग हुई है और हमें चाची ने कहा है कि आपका एक पार्सल आया है आपका एक पार्सल आया नीचे गई अभी मैंने पार्सल लेकर आई हूँ तो आप गेस करें क्या होगा। तो गाइस मैंने मंगवाया पिंपल पैच दिखाओ तो सही ऐसे होते हैं गोल 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 एक जगह रखो तो सही चलो एक इसको मेरा कहाँ लगाते हैं अपने पिंपल्स के ऊपर आप लगा लो वाओ लीजिए क्या बात की है पिंपल के ऊपर लगाते पिंपल्स पैच है तो ऑफ कोर्स पिंपल सही हो जाता है। तो ये मैं ट्राई करूंगी अगर ये सही अच्छा हुआ तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसको ऑर्डर करें और अपने पिंपल्स को लगाएं पे लगाएं और इसको बिल्कुल सही कर ले पिंपल्स को। तो अब हम इसको लगाते हैं। मैं भी अपने हेयर वॉश करती हूं अभी। तुमने बाथ नहीं लेना था? नहीं मैंने कहा पहले ये धो लेती हूँ इसके बाद मैं जाऊंगी बाथ लेने। आसानी खड़ी है पहले 2000 years later guys finally 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 bangra bangra guys fiza chuki hai और शिकल जी बस चल रहा है पेपर देख रहा है बेचारी। नहीं यार पेपर ने तो गर्मी बहुत 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 शरीर है ना सब बेहोश ना आओ एसी में बैठो तुम यहाँ किचन में आ गए। मम्मा क्या बनाया? मम्मा ने बनाया है पुलाव आज जो फुल एसी चला हुआ है तुम्हें मेरे फेस पे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कुछ भी नहीं नाक लगी है गजब बेइज्जती है। हाँ जी बताओ क्या डिफरेंस है बताओ ना तुम्हें कुछ तो दिख रहा होगा कुछ भी ऐसे कुछ लगा हो मेरे मुंह पे पिंपल है स्टार्ट करो मैंने दिखा दिया ऐसे होता क्या इसमें जी बताओ इससे अभी पिंपल सही हो जाता है तो मैं मुंह पर लगा दूँ कैस मैं फ्रेश होती हूँ कभी चेंज करती हूँ सो जाऊंगी क्योंकि मेरा एक दिन बाद है उर्दू का पेपर। सो यस आज का पेपर बहुत अच्छा आप लोगों को बताना भूलगी आज का पेपर अच्छा हुआ है और एक मजे की बात बताऊँ एमसीक्यू से मैं ऑब्जेक्टिव मेरा टीचर लिए बैग उठा के बाहर एक टीचर आई है वो मैं ऑब्जेक्टिव दे के जा चली गई और बच्चों ने फिर जो एमसीक्यू छप्पे मारे वो फिर मैं अच्छी बच्ची हूँ यार मैं पूछती हूँ मेरी जब मेरी दोस्त मेरे पास पास ना हो मैंने पूछती है अगर कोई बताना चाह रहा है तो ठीक वरना नहीं मैं नहीं पूछती मैं अच्छी बच्ची हूँ ठीक है मेरी दोस्तों मैं उनसे पूछती थी क्या उनके साथ फ्रैंक होता बंदा और यू नो लेकिन मैं किसी और से इतनी सड़ियल बच्चियाँ आती हैं मैं आप लोगों को क्या बताऊँ तो जाओ अंदर। तो गाइस हम इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं बाय बाय गाइस अरे बाय बाय बोल दो बाय बाय गाइस बाय बाय।